हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में हम लोग बात करने वाले टाटा स्टील शेयर के ऊपर। टाटा स्टील के शेयर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो कौन से लेवल पे ब्रेकआउट आया है, कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट कौन सा रेजिस्टेंस होने वाला है, कौन सा सपोर्ट होने वाला है, आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाटा स्टील शेयर के ऊपर। टाटा स्टील के अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट हम लोग क्यों यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर स्टॉक जो है आपको मई मंथ के बाद फर्स्ट टाइम ट्रेड करना स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम जो है इस लेवल के ऊपर 20 मई को ट्रेड किया था, उसके बाद से गैप डाउन ओपन हुआ था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करता हुआ हम लोगों को देखने को। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अब अगर बात करेंगे हम लोग वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो इस स्टॉक में जो है आपको ब्रेकआउट आ सकता है अगर स्टॉक 115 के लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग दे दे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे आज वीक का पहला डे था, इसलिए अभी वीकली बेसिस पे कंफर्म क्लोज नहीं हुआ है। वीकली बेसिस पे आपको कंफर्म होगा जब फ्राइडे का क्लोज हो जाएगा स्टॉक इस लेवल के ऊपर, तभी आपको वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग को वीकली बेसिस पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हम लोगों को वेट करना चाहिए, लेकिन डेली बेसिस पे जितने भी ट्रेडर आप लेते हैं वो उन लोगों के लिए जो है ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। नीचे की साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड जब तक स्टॉक 100 के लेवल के नीचे आपको सस्टेन नहीं करता है, तब तक जो है इस स्टॉक में एक बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक इस लेवल पे एक अच्छा बेस बनाया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट आपको 5 to 6 वीक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम किया है। अब इस लेवल के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए वो है आपको 140 to 150 का रेंज। 140 to 150 का रेंज अगर ये स्टॉक क्रॉस कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में वापस से हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 200 के साइड भी लेके जा सकता है। लेकिन 200 का लेवल आने में टाइम लगेगा, इन बिटवीन आपको कैसे स्टॉक आपको रिएक्ट करता है, कैसा प्राइस एक्शन बनता है, वो आने वाले समय में आपको डिकोड होगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के लिए जो हम लोगों का प्राइमरी टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 140 टू 150 का लेवल, क्योंकि इस रेंज में जो है स्टॉक ने एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस किया है, और वापस से जो है अगर इस लेवल को हिट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश सेलर का भी एंट्री होगा, और बहुत से लोग जो है आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ से अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस स्टॉक में तकरीबन 20 to 25% का एक अच्छा अपसाइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड जो मेजर गिरावट होगा वो 100 के लेवल के नीचे होगा। 100 के लेवल के नीचे सस्टेन होने के बाद स्टॉक में वापस से हम लोगों को 80 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको इस 100 के लेवल के नीचे इमीडिएट सपोर्ट का काम। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।